दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंथ्रोपोलॉजिकल करेंगे आपकी एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे Now, की इनको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में डिवाइड किया जा रहा है इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है आपका जो यूनिट है आपके सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी नाउ अगर मैं सिंपल शब्दों में कहने की बात करूं तो डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं हम बाई डिफरेंट स्कॉलर्स ना ये जितनी भी डिफरेंट थ्योरीज हैं दे डिपेंड अपॉन या दे लार्जली डिपेंड अपॉन द रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ अ स्कॉलर फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जो सिर्फ डेटा के बेसिस पे अपनी पूरी थ्योरी जो है एडवाइस करते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्राम फेलो ट्रैवलर्स डेटा फ्राम मिशनरीज डेटा फ्राम कोलोनियलिस्ट्स या फिर ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो कि डिफरेंट एथनोग्राफीज पढ़ते हैं राइट एथनोग्राफीज वो टेक्स्ट हैं जो किसी स्पेसिफिक रेस या कल्चर को डिफाइन करती हैं राइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने बहुत बार रिलीजन के चैप्टर में पढ़ा है डरखाइन राइट डरखाइम ने जो भी सोसाइटी के बारे में कहा दैट वॉज लार्जली बेस्ड अपॉन उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की अरुणता ट्राइब की एथनोग्राफी पढ़ी थी सिमिलरली ऐसे भी स्कॉलर्स आप देखेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ दोज प्रोमिटिव कल्चर्स और उनके साथ रह के थ्रू आउट देयर अंडरस्टैंडिंग जो उनकी डेवलप होती है बेस्ड ऑन दैट वो थियोरीज लिखते हैं सो ऑल एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज कि सबसे सिंपल तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाई दर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ था इज बिकॉज उनके रिसर्च मेथोडोलॉजीज डिफरेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना राइट कि बेसिक टेनेट्स किसी भी स्कूल ऑफ थाट के जो हैं क्या रहे तो यही हमारी अप्रोच रहेगी फॉर एग्जाम्पल आज हम क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात करेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इनके बेसिक टेनेट्स क्या हैं एंड देन वील टॉक अबाउट कि स्कॉलर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं यूजली हम गलती क्या करते हैं हम डायरेक्टली स्कॉलर्स से पढ़ाई कर लेते हैं कि टाइलर ने क्या कहा जो है फ्रेजर ने क्या कहा बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड यूरस कि बिफोर अंडरस्टैंड द स्कॉलर्स अगर आपको बेसिक्स पता है ना स्कॉलर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि देर आर लॉर्ड ऑफ एंथ्रोपालजिस्ट दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू

हम हर जगह स्कॉलर्स को कोट करते हैं पर हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता शुरू में कि स्कॉलर ने क्या कहा कौन से स्कूल ऑफ थॉट को वो बिलोंग करते हैं व्हाई दे आर सेइंग वाई देंगे यहाँ पे जब आप पढ़ लोगे ना आपको एक उनका बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा बहुत आसान होता है देन वापस जाके उन स्कॉलर्स को कोट करना कभी कभी स्कॉलर्स की बात भूल भी जाती है कि एग्जैक्टली exactly क्या कहा था उन्होंने बट अगर आपको उनका बेसिक याद है ना दैट इज़ वाई मेरा फोकस इस पर है तो आप देखोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लेट से रिकॉल कि उन्होंने क्या कहा था चलिए आ, मैं हमेशा कहती हूँ इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास स्टार्ट विद डे थ्री आपको बहुत क्लैरिटी से जो है चीजें समझ में आएंगी नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक आज हम बात करेंगे क्लासिक एवोल्यूशनिज्म की नाउ यहाँ पे वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पीपल वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मॉर्गन एंड फ्रेजर नाउ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इनकी थियोरीज पे आते हैं यस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट की क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की एज अ स्कूल जो है एज अ स्कूल ऑफ थॉट जो है इनके बेसिक पॉइंटर्स क्या थे बेसिक स्ट्रेटजी क्या थी एंड ओवरऑल इनका क्रिटिसिज्म क्या है लेकिन अगर क्रिटिसिज्म है तो ध्यान रखना अगर आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे तो पॉजिटिव्स भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो लेट्स स्टार्ट आपको सारा बेसिक समझ में आ जाए So, याद रखिएगा क्लासिक एवोल्यूशनिज्म के जितने भी लोगों की हम बात करेंगे जितने भी स्कॉलर्स की बात करेंगे उनकी इंटायर थियोरीज आप बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा

अब डेटा से ये क्या करते थे डेटा से या जो भी इनको पास्ट के रिलेक्स मिलते थे उनको ये स्टडी करते थे और यही नहीं कि सिर्फ पास रिलेक्स को स्टडी कर रहे हैं राइट कंपैरेटिव अप्रोच रखते थे कि पुरानी चीजों के साथ साथ हमें पैरल सोसाइटीज के बारे में भी डेटा कलेक्ट करना है तो रिलेक्स भी पढ़ रहे हैं पैरली सोसाइटीज को कंपेयर भी कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ डेटा और डेटा के बेसिस पर ये डिड्यूस करते थे कि एक पर्टिकुलर वे क्या रहा होगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर क्या रही होगी एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड सो दैट इज वॉट दीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर ट्राइंग टू डू दे वर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट मैनकाइंड कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ होगा ना वाई माई टॉकिंग अबाउट कल्चर मैंने हमेशा कहा है कल्चर इज वे ऑफ लाइफ कल्चर इज वट वी आर कल्चर इज वट बिन टू बी क्योंकि वे ऑफ लाइफ है सो बेसिकलीस पीपल स्टडीडीड पैरलीस दोस्टिंग डेटा से और डिड्यूस किया एक पूरी पिक्चर रिकन्स्ट्रक्ट की कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर कैसा रहा होगा राइट एंड बेस्ड ऑन दैट कल्चर कैसा होगा उसकी एक एवोल्यूशनरी स्कीम जो है इन्होंने डिवाइस कर तो इनका पूरा का पूरा मैकेजम वॉज नॉट बेस्ड ऑन इम्पीरिकल स्टडीज वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस जो कि इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है रादर इट वॉज बेस्ड ऑन दी डेटा जो इनको फेलो ट्रेवलर्स मिशनरीज और कॉलोनियल से जो है मिला था बेस्ड ऑन दी थिंग इन्होंने एक एवोल्यूशनरी स्कीम डिवाइस की कि कल्चर किस तरह से बड़ा होगा सो अकॉर्डिंग टू क्लासिक एवोल इन्होंने बोला कि सेपरेट जगह पे इंडिपेंडेंटली कल्चर जो है इवॉल्व हुआ होगा और तीन सिंपल स्टेजेस रही होंगी सैवेजरी बाबरिजम एंड सिविलाइजेशन व्हाट इज द डिफरेंस सैवेजरी वाज मोर अबाउट द सिंपलर सोसाइटीज हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ के बाद आप देखोगे बाबरज़म की हम कब बात करेंगे जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई आ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हुई लोगों ने एक साथ आना शुरू किया तब जो है आप बाबरिजम की स्टेज मानते हैं और सिविलाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म जहां पे आपकी लेट्स से एक राइटिंग की शुरुआत हो गई कम्युनिटीज की किनशिप की शुरुआत हो गई तब आप उसे सिविलाइजेशन कहते हैं सो बेसिकली हर लेवल पे आपका कल्चर जो है इवॉल्व होता जा रहा है सो क्लासिक एवोल्यूशन ने बेस्ड ऑन डेटा जो एवोल्यूशनरी स्कीम की बात की है कि आप पहले सैवजरी की

इंटायर थिंग बेस्ड ऑन डेटा दैन एविडेंस तो एविडेंस लैक ऑफ एविडेंस होना इनका सबसे बड़ा जो है क्रिटिसिज्म रहा है आगे जाके आप पढ़ोगे इन्होंने बहुत सी बेसिक अजाम्शंस के हिसाब से काम किया लेकिन उन अजाम्शंस में भी इन्होंने जाके एविडेंस देखने की कोशिश नहीं की

कल्चर कहाँ पे है इर रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोमोटिव सोसाइटी कहाँ है हर एक सोसाइटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है और इंडिपेंडेंटली जो है उनमें हमेशा ही यही तीन स्टेजेस जो है फॉलो करेंगे इसको कहने का तरीका क्या है कि नेचर ऑफ एवोल्यूशन सब जगह जो है यूनिफॉर्म होगा इर रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंडिपेंडेंटली कहा एग्जिस्ट कर रही हमेशा ही यूनिलियरिटी रहेगी राइट सेम स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन होंगी सेम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंग्वेजेस होंगे सेम ऑनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होंगे जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो देते हैं पहले सैवेजरी आई हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज आई राइट उसके बाद जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ बाबरिज्म आया और जब सोसाइटीज और कॉम्प्लेक्स बढ़ गई थी इंटायर आइडिया ऑफ राइटिंग किनशिप शुरू हो गया तब सिविलाइजेशन की बात हुई और इसको जस्टिफाई करने के लिए जो ये थ्योरी की बात करते हैं यहां पे ये बात करते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की साइकिक यूनिटी का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंटली कोई भी सोसाइटी कहीं भी एग्जिस्ट कर रही हो ह्यूमन काइंड की जो सोच है उसकी एवोल्यूशन सेम तरीके से होगी पहले वो सिंपलर चीजें सोचेंगे बाद में वो जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस पीपल दे फॉलो थ्योरी ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड कि मैन की जो सीरीब्रल ग्रोथ है राइट right? मैन की जो कोग्नेटिव एबिलिटीज हैं वो कहीं भी वो हो एक ही लेवल पे जो है इवॉल्व होंगी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म भी बना आगे जाके कि इसके लिए एविडेंसेस नहीं ढूंढे ये इनकी ऐसी जो है थ्योरीज थी जिनको इन्होंने यूं ही मान लिया आगे जाके आप क्रिटिसिज्म को देखोगे। Now, भी देखोगे ना बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो कि ना पॉजिटिव पॉइंट बनता है इस थ्योरी का पॉजिटिव पॉइंट क्या बनता है बहुत बार आप पढ़ते हैं कि कुछ रेस किसी दूसरी रेस से सुपीरियर है राइट right? या किसी रेस का कल्चर इज सुपीरियर फ्रॉम अ सेपरेट कल्चर फॉर एग्जांपल अगर रेस सुपीरियर मानी गई है तो उसका कल्चर भी सुपीरियर होगा लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि हर एक uh, जगह पे ह्यूमन काइंड की कॉग्नेटिव एबिलिटीज सिमिलरली बढ़ी होंगी इसका मतलब है कोई रेस सुपीरियर है ही नहीं इसका मतलब है सभी रेसेस जो हैं सिमिलर तरह से ग्रो हुई होंगी और सभी रेसेस जो हैं सिमिलर तरह के कल्चर से जो हैं गुजरी होंगी ये इनका पॉजिटिव है नाउ ध्यान रखना यू माइट डिसएग्री विद इट और यू माइट विद इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकेडमिकली आप समझें कि इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रहे नाउ स्किपिंग ऑफ स्टेजेस नाउ ऑल दो येस दे अग्री की स्टेजेस सेम होंगी लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक जो लेट्स से ट्राइब है या कोई प्रोमोटिव सोसाइटी है वो डायरेक्टली सैवजरी से सिविलाइजेशन की तरफ आ जाए कहते ये पॉसिबिलिटी है इसका एग्जाम्पल भी देते हैं ये कहते हैं सहारा के नॉर्थ में कुछ कंट्रीज थी साउथ में कुछ कंट्रीज थी सहारा का नॉर्थ मतलब यूरोपियन रीजन जिसकी आप आज बात करते हो सहारा का साउदन रीजन एज एन अफ्रीकन रीजन की आप बात करते हो राइट तो ये कहते हैं कि जो सहारा का नॉर्दर्न रीजन था वहां पे सिविलाइजेशन बहुत जल्दी आ गई थी राइट right? सो so, यहाँ पे ऑलरेडी ये मैक्सिमम स्टेज पे थे सिविलाइजेशन की स्टेज पे थे पर ये कहते हैं सिमिलर टाइम्स पे सहारा का जो साधर्न रीजन था वो अभी भी सैवेजरी की तरफ था बट क्योंकि दे केम इन कॉन्टैक्ट विद सिविलाइजेशन तो इन्होंने क्या किया savagery से ये बाबरिज्म की तरफ नहीं आए सैवेजरी से डायरेक्टली ये सिविलाइजेशन की तरफ चले गए तो दे डू अग्री की ऑल दो तीन स्टेजेस हैं लेकिन अगर कोई आ, ट्राइब या कोई प्रोमोटिव सोसाइटी किसी हायर स्टेज के कांटेक्ट में आ जाती है दे डू स्किप सर्टन स्टेजेस तो इसको भी ये अग्री करेंगे ठीक है जी और आप इसमें सहारा का एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं नेक्स्ट यहां पे जो है नेक्स्ट है कि ये कहते हैं डिफरेंस ऑफ एवोल्यूशनरी पोटेंशियल भी होगा राइट फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि अगर कोई सिंपलर सोसाइटी है राइट right? उसके पास जगह ज्यादा है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है uh, अपना सकती हैं लेकिन मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है तो वो तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली वो जो है नई चीज़ों को जो है बहुत ज्यादा अच्छे से अपना नहीं पाएंगी जो आगे जाके इनका क्रिटिसिज्म बनता है कि वॉट इज द एविडेंस कि अगर कोई सही पैरामीटर हो उसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्यों नहीं अपनाएगी राइट right? बट आप बेसिक टेनेस हमेशा याद रखोगे कि इनके हिसाब से पोटेंशियल वाज डिफरेंट सिंपलर सोसाइटीज वो प्रोन टू अडेप्ट द आइडिया ऑफ इवॉल्विंग कल्चर मोर देन ऐसी सोसाइटीज जो ऑलरेडी कल्चर के पैराडाइम में जो है सैचुरेट हो चुकी ऑल्सो ये ये भी कहते हैं रेट ऑफ एवोल्यूशन भी डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द सोसाइटी कुछ ऐसी सोसाइटीज हमेशा रहेंगी जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती हैं चीज़ों को अडाप्ट करने में कुछ ऐसी सोसाइटीज हमेशा होंगी जो काफी स्लो होंगी नए चेंजेस को अडाप्ट करने में नाउ यहाँ पे एक और चीज़ जो ये बात करते हैं ये आइडिया ऑफ सर्वाइवल्स को जो है मानते हैं आइडिया ऑफ सर्वाइवल क्या होता है जो चीज़ें सर्वाइव की हैं जो रेलिक्स या जो कल्चर सर्वाइव करके जिनके बारे में आज आपको पता लग रहा है बिकॉज इनकी पूरी थ्योरी ही आइडिया ऑफ सर्वाइवल्स पे बेस करती है कि जो रेलिक्स ऑफ द पास्ट हैं जो कल्चर्स ऑफ़ द पास्ट हैं उन्हीं के बेसिस पे हम एक हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट बना रहे हैं कि हाउ कल्चर वुड हैव है और इसी के बेसिस पे ये हिस्टोरिकल सीक्वेंस भी बनाते हैं इंस्टीट्यूशन का इनके हिसाब से पहले पोलियान्ले मोनोगेमी बाद में मेट्रलिनियल कल्चर्स पहले आए पेट्रलिनियल कल्चर्स बाद में आप देखोगे ये रिलीजन के बारे में भी कहेंगे पहले पॉलिथीजम आया और फिर मोनोथीजम आया गोइंग बैक टू रिलीजन डिड वी नॉट रीड अबाउट इट कि एविडेंस बहुत मिनिमल हैं कि क्यों पहले पॉलीथीजम आया या बाद में अमोनोथीज्म uh, आया So, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इनका जो भी काम या इनकी जो भी थ्योरी है बेस्ड ऑन द डेटा है और इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि इन्होंने एविडेंसेस की तरफ नहीं गए। नाउ ऑल दो ये कहते हैं कि सोसाइटीज इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तब भी जो है साइकिक एवोल्यूशन uh, या यूनिटी ऑफ मैन काइंड रहेगी कॉग्नेटिव एबिलिटी सिमिलर तरीके से ग्रो करेंगी राइट right? इसलिए इंडिपेंडेंटली भी सोसाइटी सेम तरीके से जो है ग्रो करेंगी ए सोसाइटी भी बी सोसाइटीज भी इेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पास जो है लेटे किस तरह की कंडीशन है बट आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये ये भी कहते हैं दे अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डिफ्यूजन

दो दे देर कंसिडर्ड सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट कहीं ना कहीं ये डिफ्यूजन की थ्योरी को भी रिकग्नाइज करते हैं तो ये इनका जो है क्रिटिसिज्म बन जाता है लेकिन ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है जब भी आप बेसिक टेनेट्स लिखेंगे तो आप बताएंगे कि ये सिंपल सी बात करते हैं कि सोसाइटी कहीं भी हो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इनका बेसिक पॉइंटर है राइट हमेशा ही सैबजरी से बाबरिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे हमेशा ही ये ऑन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल जाएंगे कि जो बच गया जो रेलिक्स हैं जो कल्चर है उनके बेसिस पे दिव कम विद द इंटायर थ्योरी तो ये इनके बेसिक टेनेंट्स रहे लेकिन जैसा मैंने कहा क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है दे सेड नेचर ऑफ एवोल्यूशन सबका सिमिलर है लेकिन दे डिड नॉट सीक एविडेंस दे जस्ट Base their entire theory on the secondary data. Similarly, savagery to barbarism plus civilization की बात करते हैं। लेकिन जिन तीन scholars की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, Tyler, Morgan, Fraser, मैंने आपको बताया, इनके भी savagery, barbarism और civilization में जो है differences आते हैं, right? One of these scholars, uh, let's say, divides these stages into or ज़्यादा stages, upper, lower, right? फ्रेजर तो पे मैजिक की भी बात कर देंगे in these stages. तो इनकी stages अपने आप में जो differ जो है कर जाती इनका एक बहुत बड़ा criticism माना गया इन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि यही तीन स्टेजेस वॉट आर देवर अदर स्टेजेस इज वेल इनकी बेसिक थ्योरी ही इस अजामशुन से शुरू होती है कि कल्चरल डेवलपमेंट की यही तीन स्टेजेस होंगी जम्पन है यह राइट अगेन एविडेंस नहीं है तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म जो है माना गया अगेन इन्होंने कहा साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है राइट right? क्या ये

ऑल ये कहते हैं कि सोसाइटीज इंडिपेंडेंटली पैनली एग्जिस्ट करेंगी बट ये इस चीज को भी कही कहीं ना कहीं मानते चीजें हमेशा ही डिफ्यूज होंगी तो ये हमेशा ही इनके क्रिटिसिज्म में रहेगा बट मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है आज हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज देर आर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने एक हिस्टोरिकल टच दिया कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ सो दिस पर्टिकुलर स्कूल इज एक्चुअली गिवन दैट पर्टिकुलर क्रेडिट कि दे एक्चुअली ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कि किस तरह से कल्चर वुड हैव डेवलप्ड ध्यान रखना एंथ्रोपोलॉजी इसकी बात नहीं कर रहा सही गलत क्या एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड की बात कर रहे हैं कि इस तरह से स्टडी लेट्स से दी कल्चरल uh, एवोल्यूशन हुई होगी एंड देन उसके क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अगेन जो मैंने आपको बताया रेस और कल्चर का कोई रिलेशन नहीं यहां पे हमारी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पे हम आएंगे कि अगर बात हम करते हैं कभी कभी कोई रेस सुपीरियर है इसलिए तो उनका कल्चर सुपीरियर है कोई रेस इंफीरियर है क्योंकि उनका कल्चर इन्फीरियर है दिस इज समथिंग जिनको इस पर्टिकुलर थ्योरी ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि अगर सभी ह्यूमन बीइंग्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज सिमिलर हैं अगर उनकी डेवलपमेंट एक तरीके से हो रही है तो डेफिनेटली कोई रेस या कोई कल्चर जो है एक दूसरे से जो है सुपीरियर नहीं हो सकता प्लस इन्होंने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल्स की बात की कि जो रिलेक्स हैं जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो क्या हैं उनके हिसाब से पूरा हिस्टोरिकल डेटा बना और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स बने हैं सैवजरी बाबरिज्म और सिविलाइजेशन के तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की इन्होंने स्किपिंग ऑफ स्टेजेस की भी बात की कि किस तरह से लेट्स से ऐसी सोसाइटी जो सिंपलर थी डायरेक्टली मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बन गई ऐसी सोसाइटी जो सैवेजरी थी डायरेक्टली सिविलाइजेशन बन गई जहां पे हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा हमने सहारा का एग्जाम्पल पढ़ा तो इसको भी जो है ये रिकोगनाइज करते हैं राइट right? एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो शायद आपको ई बी टाइलर को पढ़ने के बाद आएगा ई बी टाइलर बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं इट इज ओनली आफ्टर हिज स्टडीज की एंथ्रोपोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कल्चर जो है शुरू हो गई इन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जब भी हम एवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे हम ई बी टाइलर की सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे राइट प्लस क्लासिक एवोल्यूशनिज्म में जब हम uh, जो है टाइलर फ्रेजर मॉर्गन को पढ़ेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे इनकी बातें क्या हैं सो इट इज ओनली आफ्टर दिस ई बी टेलर ने जो थियोरीज दी कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ साइंस जो है एस्टेब्लिश हुई एंथ्रोपोलॉजी आगे जाके आप पढ़ोगे कि हमेशा से एक सब्जेक्ट नहीं था ये इट इज ओनली आर लेटेस्ट स्टेज ये डेवलपमेंट्स देखी गई ठीक so, है जी सो आई होप यू अंडरस्टूड बेसिक क्या इसके criticisms क्या रहे हैं हैं पॉजिटिव क्या रहे मोर देन इनफ कॉन्टेंट है आपके पास अगर आपको इनमें कंटेंट लिखने के लिए आता है लेकिन यहां पे मिसिंग क्या है स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेपरेटली जो है टाइलर ने क्या कहा मॉगन ने क्या कहा और फ्रीजा ने क्या कहा ठीक है जी सो दैट वाज ऑल फॉर द डे रीड द बेसिक्स हमेशा बेसिक्स से शुरू कीजिए तभी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि डे थ्री से शुरू करें ऑलवेज टेल यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और आप देखेंगे बहुत अच्छी आपकी जो है लाइन ऑफ थॉट बनती है सो दैट वॉज ऑल फॉर द डे आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टू ऑल द बेस्ट दोस्तों बाय बाय